हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं यू वर्सेस वी ग्राफ फॉर कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस। तो पहले शुरुआत करते हैं कॉन्वेक्स लेंस से, यू वर्सेस वी ग्राफ। ओके, दिस इज यू, दिस इज वी। देखो यार, अगर यू वही लेफ्ट राइट वाला सीन लेंगे ना, लेफ्ट वाले नेगेटिव, राइट वाले पॉजिटिव, अगर यू की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कैसा है यार, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, मिरर में पढ़ा था। ओके, अगर यू की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है कि रियल ऑब्जेक्ट है, लेफ्ट में रखा हुआ। अगर वी की वैल्यू पॉजिटिव है लेंस के केस में, लेंस के केस में मिरर का उल्टा है, अगर वी की वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है कि लाइट सच में मिल रही है, मतलब रियल इमेज बन रहा है। वी की वैल्यू पॉजिटिव है तो कैसा इमेज है, रियल इमेज, ये ध्यान रखना। मिरर के केस में उल्टा था, मिरर के केस में अगर वी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी इसका मतलब लाइट सच में नहीं मिल रही थी बिहाइंड द मिरर, ठीक है ना, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। और अगर वी की वैल्यू नेगेटिव है तो कैसा है, वर्चुअल इमेज, ये तो सबका ही क्लियर है। देखो बहुत ही आसान है, ये मान लो माइनस एफ डिस्टेंस है, ये माइनस टू एफ डिस्टेंस है, ऐसे ये प्लस एफ और ये कितनी प्लस टू एफ, ऐसे नीचे को माइनस एफ माइनस टू एफ। एक हमें बात पता है क्या, कि अगर हम टू एफ पर रखते हैं माइनस टू एफ पर तो कहां बनता है, प्लस टू एफ पर बनता है दूसरी साइड, ये पता है कि नहीं, बोलो यार, पता है कॉन्वेक्स लेंस में अगर हम 2f पर रखते हैं लेफ्ट साइड में, मतलब माइनस 2f पर रखते हैं तो कहां बनता है, दूसरी साइड में प्लस 2f पर बनता है। v की वैल्यू पॉजिटिव है तो रियल इमेज बनता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं फर्दर जो अपनी u की वैल्यू है वो फोकस की तरफ को शिफ्ट कर दूं, फोकस की तरफ को, तो इमेज कहां बनना शुरू हो जाएगा, जब बिटवीन f एंड 2f रखते हैं तो कहां बनता है, बियॉन्ड 2f, जब बिटवीन f एंड 2f रखते कहां बनता है, बियॉन्ड 2f। और अगर मैं वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते फोकस तक ले जाऊं तो कहां बनेगा फाइनल इमेज, इंफिनिटी पर, क्लियर है ना। अगर u की वैल्यू f के बराबर हो गई, मतलब तुमने फोकस पर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया रियल ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहां बनने वाला है, इन्फिनिटी पे, तो इसको बढ़ाते बढ़ाते इन्फिनिटी तक ले जाओ, क्लियर है ना। ऐसे ही अगर तुमने वैल्यू किसकी, u की, बढ़ाते 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 इन्फिनिटी तक ले गए, कहां तक ले गए, इन्फिनिटी तक, तब फाइनल इमेज कहां बनेगा, बोलो, टेंशन नहीं है, पता है फोकस पर बनेगा, और कहां बनेगा फाइनल इमेज, कहां बनेगा फोकस पर, क्लियर है ना। तो u की वैल्यू पे ऐसे डिपेंड करता है, 2f तो 2f, कोई दिक्कत नहीं है, इमेज अगर बढ़ाते बढ़ाते घटाते घटाते कह लो कि घटाते घटाते फोकस की तरफ को लेकर के जा रहे हो, तो फाइनल इमेज कहां बनने वाला, इन्फिनिटी पे। जब भी कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो कहां बनता है उसका इमेज, इन्फिनिटी पर बनता है, तो ये गया इन्फिनिटी की तरफ ग्राफ। अच्छा, अगर तुमने u की वैल्यू बढ़ाई, u की वैल्यू बढ़ाते 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 2f के पावर लेके इन्फिनिटी इन्फिनिटी तक ले गए, तो फाइनल इमेज कहां बनने वाला है, फोकस पर, ठीक है, रियल इमेज बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक केस और था, इसका याद करो कि अगर ऑप्टिकल सेंटर और एफ के बीच में रखते हैं तो ऑप्टिकल सेंटर और एफ के बीच में तो वर्चुअल इमेज बनता है, याद आया ना, ऑप्टिकल सेंटर और एफ के बीच में तो क्या करता है, वर्चुअल इमेज बनता है, ठीक है। और अगर ये वैल्यू तुम बढ़ाते 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 एफ तक ले गए, है ना, बिटवीन एफ एंड ओ रखोगे तो कहां बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, बढ़ाते 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 फोकस पर ही जाएगा तो कहां बनेगा, इन्फिनिटी पे बन जाएगा, और क्या, तो एक इमेज इस तरह का हमारा ऐसा है, एक डायग्राम, ठीक है ना, ये वर्चुअल इमेज बनेगा इस कंडीशन में जब एफ एंड ओ के बीच में रखते हैं, पता है हमें वो कहानी, ठीक है। तो ये किसके लिए हो गया, कॉन्वेक्स लेंस के लिए, ठीक है। अच्छा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए करना हो तो इसको थोड़ा ऐसे बढ़ा दो तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए बन जाता है इस तरह से। वर्चुअल ऑब्जेक्ट में क्या है कि आप यू की वैल्यू बढ़ाते जाओ, हमेशा एफ तक ही इमेज बनता है, इन्फिनिटी तक ले जाओगे तब कहीं जाकर एफ बनेगा, ठीक है ना, हमेशा एफ के बीच में इमेज बनता है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए पूछे तो उसको ऐसे थोड़ा सा बढ़ा सकते, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो, है ना, ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो तो हमेशा इमेज कहां बनेगा, ओ और एफ के बीच में बनेगा, रियल इमेज बनाएगा, ठीक, ओके, बात समझ में आ गई, ठीक है। ये किसके लिए था, यू वर्सेस वी ग्राफ फॉर कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। अब हम सेम टू सेम ग्राफ कॉनकेव लेंस के लिए भी बना सकते हैं, यू वर्सेस वी ग्राफ फॉर कॉनकेव लेंस। कॉनकेव का तो बहुत ही आसान है, उसमें तो हमें पता है कि एक ही कंडीशन है, वर्चुअल इमेज ही बनाता है हमेशा, वर्चुअल इमेज ही बनाता है। तो ये रहा यू, ये रहा v, ओहो, ये भी u है, यानी कि रियल ऑब्जेक्ट और ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये रियल इमेज यानी कि v, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, और ये क्या हो गया, वर्चुअल इमेज, ये माइनस f, माइनस f, माइनस 2f। हमें पता है कि f जो वैल्यू है आप कहाँ रखोगे, u की वैल्यू बढ़ाते रहो कोई फर्क नहीं पड़ता उस पर, वो इन्फिनिटी तक अगर ले जाओगे तो f पे बना देगा फाइनली, लेकिन वर्चुअली, समझ गए ना, कॉनकेव लेंस का कहानी, कॉनकेव लेंस की कहानी ये है कि आप कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रख दो, इमेज तो कैसा बनना है, वर्चुअली बनना है, ठीक है, इमेज कैसा बनना है, वर्चुअली बनेगा, और कहाँ बनेगा, बिटवीन ओ एंड एफ, याद है, तो देखो इमेज कहाँ बन रहा है, बिटवीन ओ एंड एफ, यू की वैल्यू बढ़ाते रहो कहाँ बनेगा हमेशा इमेज, बिटवीन ओ एंड एफ, क्लियर है ना कहानी, बिटवीन ओ एंड एफ, और वर्चुअल इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, ठीक। अच्छा, एक कंडीशन इसकी है कि अगर आपने
ऑब्जेक्ट को क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट को ले लिया वर्चुअल, तब ये बिल्कुल किस तरह से काम करने लगता है, कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करने लगता है, एफ टू एफ प्लस एफ प्लस टू एफ, वर्चुअल ऑब्जेक्ट टू एफ पर रखोगे तो इमेज कहां बनाएगा, टू एफ पर, ध्यान रखना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट टू एफ पर रखोगे तो कहां बनाएगा, टू एफ पर, और अगर f की तरफ को बढ़ाते रहोगे तो इन्फिनिटी पे बना देगा फाइनल इमेज, और अगर वैल्यू u की इन्फिनिटी कर दोगे तो फाइनल इमेज कहां बनेगा, 2f पर बन जाएगा, f पर बन जाएगा, ठीक है ना, कहां बन जाएगा, f पर, सेम टू सेम कहानी इसकी, ओके तो ये ग्राफ याद रखना, दिस इज फॉर कॉनकेव लेंस, क्लियर है। तो ये कोई तुमसे पूछे कि क्या कॉनकेव लेंस कभी मैग्निफिकेशन दिखा सकता है, तो आंसर इज यस, आंसर इज यस इन दिस कंडीशन, in this condition when value of v is very large and value of u is very small, when object is virtual and is object is virtual and is kept between f and 2f, jab object virtual ho aur f aur 2f ke beech mein rakha ho, object kaisa ho bachcho, virtual ho aur dusri side virtual, to dusri side rakha hoga, f aur 2f ke beech mein rakha ho, us condition mein jo image banayega ye kaisa banayega, magnified, clear hai kahani, yaad rakhoge, okay, to ye tha u versus v graph. Now come to the 1 upon u versus v, 1 upon v graph, जैसे हमने मिरर के लिए बनाए थे, 1 upon u versus 1 upon v graph versus 1 upon v graph, पहले कॉन्वेक्स के लिए देखते हैं, कॉन्वेक्स लेंस के लिए बहुत जाने लेंस फॉर्मर लगाओ, 1 upon v minus 1 upon u बराबर 1 upon f, इसको y मान लो 1 upon v को, इसको x मान लो, और फोकल लेंथ की पॉजिटिव होती है कॉन्वेक्स की, तो उसको 1 upon plus f, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। अच्छा जी, फिर से बनाते हैं 1 upon u और 1 upon v की एक्सिस, दिस इज 1 upon u विच इज x एंड दिस इज बच्चों 1 upon v विच इज y, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आप ध्यान से देखो, अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूं, x मतलब 1 upon u की वैल्यू 0 पुट कर दूं, y की वैल्यू कितनी आई, 1 upon f, अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो y की वैल्यू कितनी आई, प्लस 1 upon f, यानी कि ये कहीं होगा मान लो 1 upon f, एक पॉइंट मुझे ये मिला लाइन बनाने के लिए, ठीक है ना। अच्छा दूसरी जगह अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो x कितना मिला, माइनस 1 अपॉन f, मतलब y 0 करूं तो x कितना मिला, माइनस 1 अपॉन f, दूसरा पॉइंट ये मिला। अब लाइन बनाने पता है दोनों पॉइंट को मिला दो और क्या, दिस इज 1 अपॉन u वर्सेस 1 अपॉन v ग्राफ, जो फोकल लेंथ निकालने में बहुत काम आता है, 1 अपॉन u वर्सेस 1 अपॉन v ग्राफ, क्लियर होगी कहानी, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। 1 upon u versus किसके लिए है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए, कॉनकेव के लिए बना लोगे, कॉनकेव में कुछ नहीं करना, बस कॉनकेव की जो फोकल लेंथ है ना वो कैसी होती है, नेगेटिव, ठीक है, कॉनकेव की जो फोकल लेंथ है वो क्या होती है, नेगेटिव, तो बस बाकी सब कुछ सेम टू सेम, फोकल लेंथ को नेगेटिव लगा दो, ओके चलो देखते हैं फिर। ये रहा 1 upon u मतलब x, हमने इसको मान लिया है, ये रहा 1 upon v मतलब y, ठीक। अब देखो यहां से अगर मैं फिर से x की वैल्यू 0 पुट करूं तो y कितना है, माइनस 1 अपॉन f, x की वैल्यू 0 पुट करूं तो y कितना आया, माइनस 1 अपॉन f, तो एक पॉइंट मुझे इस बार यहां मिला। अच्छा इस बार मैं y की वैल्यू 0 पुट करूं तो x कितना मिला, माइनस से माइनस कटा, 1 अपॉन f प्लस का, तो ये कितना मिला, प्लस का 1 अपॉन f, तो इस बार जो ग्राफ होगा इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, सिंपल लेंस फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये u वर्सेस v और 1 upon u वर्सेस 1 upon v ग्राफ था, इसमें बहुत सारी कंडीशंस पूछ लेंगे, ग्राफ से तुम्हें पूरा पता लग जाएगा कहां मैग्निफिकेशन होगा कहां नहीं होगा। मैग्निफिकेशन मतलब क्या होता है, u वर्सेस v ग्राफ का स्लोप होता है, तो जहां पर तुम्हें v की वैल्यू ज्यादा दिखे v upon u वहां कहते ना कि मैग्निफिकेशन होता है, ठीक है। तो ये सब तुम्हें सब बातें ध्यान रखनी है, इस पे क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, ओके टाटा बाय बाय टेक केयर। एक और लेंस की भी वीडियो चाहिए, उसको कराने के बाद हम फर्दर टॉपिक्स पे बढ़ेंगे, ठीक है, ओके।